नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जल हमारे आपके सभी के जीवन का मुख्य आधार है। क्या प्राणी, क्या जीव जंतु और क्या पेड़ पौधे, बिना जल किसी का भी जीवन नहीं चल सकता। आज भारत समेत विश्व की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जल पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। कतर, इजराइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, इरिट्रिया, यूएई, सैन मैरिनो, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान और बोत्सवाना जैसे कुछ देश हैं जहां पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। यहां भी दिन पर दिन पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। सरकार, समाज सेवी संस्थाएं, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाकर जल बचाने की अपील कर रहे हैं। जल की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि गर्मियां आते ही नन्ही नन्ही चिड़ियों के लिए हम अपने घर में मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं कि नन्ही चिड़िया पानी पी सके। वो बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। तो सोचिए, मानव जाति को आज पानी मिल रहा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस वक्त पीने वाले पानी की भी कमी आई तो फिर हमें पानी देने वाला कौन होगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जल की महत्ता को जागरूकता कार्यक्रम के जरिए तो समझाया ही जा रहा है, वहीं बहुत पहले से दोहों के माध्यम से भी जागरूक किया जाता रहा है। जैसे मानव रखना याद तू जल जीवन का मूल, बूंद बूंद संभालना रखना यही उसूल, भागीरथी पुकारती सुन मानव नादान, दूषित कर क्यों डालता खतरे में पहचान। हम लोग लगातार नादानी में या फिर जानबूझकर जल का अनावश्यक दोहन कर रहे हैं। मानव जाति अपने स्वास्थ्य, सुविधा, दिखावा और विलासिता को दिखाने के लिए अमूल्य जल की बर्बादी करने से नहीं चूकता। पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते। परिणाम स्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। अगर हम अपनी आदतों में थोड़ा सा भी बदलाव कर ले तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। बस जरूरत है दृढ़ संकल्प करने की और उस पर गंभीरता से अमल करने की, क्योंकि जल है तो हमारा भविष्य है। इसलिए अगर हम पानी की बचत करते हैं तो ये भी जल संग्रह का ही एक रूप है। एक अध्ययन से पता चला है कि मानव अगर अपनी आदतों को बदल ले तो 80% से भी ज्यादा पानी की बचत हो सकती है। अगर मानव तमाम नहीं कुछ ही आदत बदल ले तो भी 15% जल की बचत संभव है। बूंद बूंद की बचत से एक बड़ी बचत हो सकती है। आपको ये पता होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें से जल भी एक तत्व है, और ये तत्व, ये आधार, ये जीवन संकट में है। बता दें कि अंधाधुंध औद्योगिकीकरण के नाम पर जल, जंगल, जमीन और आसमान सभी के साथ जमकर खिलवाड़ हुआ। जो नदी, तालाब और झील हमें जीवन अमृत प्रदान करते थे, आज उनमें प्रदूषक तत्वों ने जहर पैदा कर दिया है। बेहिसाब कृत्रिम उर्वरकों के इस्तेमाल ने धरती की सेहत के साथ साथ लोगों की सेहत पर भी बड़ा असर डाला है। यहाँ तक कि नुकसानदेह रसायन धरती का सीना चीरते हुए पाताल तक भी जा पहुंचे हैं। जंगल और जैव विविधता भी हमारे पर्यावरण के नुकसान की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके हमें औद्योगिकीकरण के नाम पर जल के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना होगा। नहीं तो पानी की कमी से तो मानव जाति जूझ ही रही है, साथ ही जो पानी मिलेगा वो भी पीने लायक नहीं होगा। औद्योगिकीकरण के अलावा शहरों में हरे भरे पेड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल तैयार किए जा रहे हैं। आवासीय और व्यावसायिक भूमि पर जल संरक्षण के नियम लागू हैं, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जल संरक्षण के नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। जल संरक्षण के नियमों की लगातार अनदेखी भविष्य के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। सरकार तो लगातार जल संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, लेकिन सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि हमें और आपको क्रांति लानी होगी, जिससे जल के साथ अपने भविष्य को भी बचाया जा सके। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, अद्भि सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च तस्मात् सर्वेषु दानेषु तयोदानं विशिष्यते। यानी जल से संसार के सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और जीवित रहते हैं, अतः सभी दानों में जल का सर्वोत्तम दान माना जाता है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि पानी की एक एक बूंद का क्या महत्व है। मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया, साथ ही नागरिकों से अपील की कि हमें पानी बचाने के ज्यादा उपयोग करने चाहिए।
पानी का प्रयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। आप भी सुनिए जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश। मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूँ। लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। देखिए, भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण ही एकमात्र तरीका है। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में जल की भारी कमी है, जिसकी वजह से आम लोगों को पीने और खाना बनाने के साथ ही रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए जरूरी पानी के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि दूसरी ओर पर्याप्त जल के क्षेत्रों में अपने दैनिक जरूरतों से ज्यादा पानी लोग बर्बाद कर रहे हैं। हम सभी को जल के महत्व और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझना चाहिए। हमें अपने जीवन में उपयोगी जल को बर्बाद और प्रदूषित नहीं करना चाहिए और लोगों के बीच जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हमारे देश में वर्षा जल के रूप में प्राप्त पानी का पर्याप्त संग्रहण और संरक्षण किया जाए तो यहाँ जल संकट को समाप्त किया जा सकता है। जल संकट एक विश्वव्यापी समस्या है, एक सामाजिक संकट है। इसका समाधान शीघ्र करने की जरूरत है। इस कार्य को एक सामाजिक अभियान बनाने का समय आ चुका है। इसमें जन जन का सहयोग अपेक्षित है। जल संकट की समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण ही एकमात्र विकल्प रह जाता है, जिससे जल की उपलब्धता की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।